माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा ठीक है, जब इफ्तिखार साहब के घर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र बात की, महफिल अपने पूरे जोबन पे इनेकार नज़ीर हैं और हाफिज इजाज़ साहब ने तिलावत कुरान पाक बहुत खूबसूरत अंदाज में की और शाह जी ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा माशाल्लाह, और हमारे भाई मलिक साहब और बशीर साहब आपने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा। और वाकईतन अभी जिस तरह वीर साहब बता रहे थे कि आप काफी गुरबत है कारी शाहिद साहब के साथ आपकी, तो वाकईतन आपके पढ़ने से भी माशाल्लाह पता चल रहा माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद करम नवाजियां फरमाए। तो मुझे आप जिस तरह कुछ कलाम कहे गए मैं पेश करता हूँ, तो दुरूद पाक का अल्लाह पेश कर चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अभी
जिनके नाना नबी अली
उस घराने से मुझको निस्बत है उस घराने से रहता है सखी घराने से कुछ नहीं पंजतन के सखी घराने से पंजतन के सखी घराने से रब्ता के सखी घराने से कुछ नहीं चलती है
तुझे बसा बहा दिए हैं दरिया
अब भी न सर्द होगा
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله.
through the park. Sallallahu alayka ya سرکار مولا مشکل کشا ٹھیک ہے آپ سب کی اجازت سبحان اللہ پھر پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ آپ کی لکھی ہوئی نہایت خوبصورت مرکبہ بہت خوبصورت سبحان اللہ Ah!
घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मैं हॉलैंड में बैठा एक कलाम पढ़ रहा हूँ और जिस वतन का बंदा होता है, जिस देश का होता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए अपने वतन की उसे याद हमेशा सदा की है। तो पीर साहब ने अपने वतन की बात की, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह गोरड़ा शरीफ, आपने अपने वतन की बात की और अपने वतन के परचम की बात की और देखिए मनकबत पे रहते हुए और देखिए किस खूबसूरती से की। ऐसे पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ऐसे पाक तुझको मुबारक तेरे पास, ऐसे पास तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा तेरे इल्म की मिसाल।
نصیر یہ سارا پر ہم پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے لاسٹ جو دل کرا نہیں بھائی کس کو ہے سبحان اللہ جی ایک ہے جو نہ ہے میں کے دل کو تو سبحان اللہ اچھا چلو سبحان اللہ واہ واہ چونکہ اپ ابھی تشریف لائے تو میں اپنی طرف سے کہہ چکا تھا کہ میرا یہ آخری کلام ہے اچھا اچھا بہرحال پھر بھی پایا ہوں
चंद पर तेरी गुरबत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा हो जैसे एक तजल्लियों का लगा था मेला जिधर निगाहें उठा के देखा तजल्लियों का लगा था मेला जिधर निगाहें उठा के देखा ये कहीं खा
शाफी है जरदार
لکھ سواد مشری اندر ساریاں چیزاں گل وچ پالیاں باواں میں گل وچ پالیاں باواں میں گل وچ پالیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا سنا خان مصطفیٰ زندہ باد.